आजकल मार्केट में गाड़ियां कम और कंफ्यूजन ज्यादा लॉन्च होने लगे हैं। जिंदगी में पहले से ही इतने सारे कंफ्यूजन हुए रखे हैं और ये कंपनीज और नहीं मान रही। पहला कंफ्यूजन तो ये होने लगा है कि भाई हैचबैक खरीदें या फिर एसयूवी, क्योंकि आजकल 5.5-6 लाख रुपए में ही एसयूवी मिलने लगी है। जैसे तैसे इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं तो अगला कंफ्यूजन होता है कि रेनो की काइगर खरीदें या फिर निसान की मैग्नाइट, क्योंकि दोनों गाड़ियां एक ही सेगमेंट की हैं, दोनों के प्राइसेस भी बराबर हैं, दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और दोनों गाड़ियों का इंजन भी सेम है। और तो और दोनों गाड़ियां जिस कंपनी की हैं वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है, मतलब कि एक ही खानदान के चाचा ताऊ के लड़के हैं ये। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का एक ही तरीका है, दोनों को डिटेल में कंपेयर करते हैं और देखते हैं किसमें दम ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। रेनो काइगर की लेंथ है 3991 mm, जो कि मैग्नाइट की लेंथ से 3 mm कम है। ये ना सिर्फ मैग्नाइट से बल्कि अपनी पूरी की पूरी सेगमेंट में सबसे छोटी गाड़ी है। इसी तरह से इस गाड़ी की विड्थ है 1750 mm, जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे कम है। रही बात मैग्नाइट की तो उससे 8 mm कम है। हाइट की बात करें तो काइगर की है 1605 mm, जो कि 33 mm ज्यादा है मैग्नाइट से। हाइट के मामले में मैग्नाइट अपनी सेगमेंट में सबसे नीची गाड़ी है। रही बात व्हील बेस की तो दोनों ही गाड़ियों का बराबर है 2500 mm। तो आप देख सकते हैं कि काइगर लंबाई और चौड़ाई में ना सिर्फ मैग्नाइट से बल्कि पूरी सेगमेंट में सबसे छोटी है। लेकिन कैबिन स्पेस के मामले में आप इन डायमेंशंस पर मत जाइएगा। दोनों ही गाड़ियों में स्पेस मैनेजमेंट काफी शानदार तरीके से किया गया है। पीछे की सीट पर नी रूम, लेग रूम, हेड रूम दोनों ही गाड़ियों में अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बूट स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। रेनो काइगर में आपको सेगमेंट की सबसे बड़ी 405 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि मैग्नाइट की 336 लीटर की बूट स्पेस से 69 लीटर ज्यादा है। यहां से पता चलता है कि काइगर में स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से किया गया है। आगे बढ़ते हैं और टायर्स के बारे में बात करते हैं तो दोनों में ही 16 इंच के टायर्स दिए गए हैं। इसी तरह से दोनों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी बराबर है 40 लीटर की। इसी तरह से दोनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस भी बराबर है 205 mm की। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में एक ही इंजन का यूज किया गया है, 1 liter 3 cylinder नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 71.05 bhp की पावर जनरेट करता है और 96 Nm का टॉर्क। लेकिन ट्रांसमिशन के मामले में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। मैग्नाइट में इस इंजन के साथ आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन काइगर में आपको इस इंजन में मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। रही बात माइलेज की तो काइगर के अभी तक माइलेज फिगर्स रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन मैग्नाइट के इस इंजन में 18.75 कैंपियल का माइलेज क्लेम किया जाता है और काइगर में भी लगभग इतना ही किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 1 liter 3 cylinder टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो 98.63 bhp की पावर जनरेट करता है और मैनुअल ट्रांसमिशन में 160 Nm का टॉर्क, जबकि CVT ऑटोमेटिक में 152 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। काइगर में इस इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज तो रिवील कर दिया गया है 20 kmpl का, जो कि मैग्नाइट के एग्जैक्ट बराबर है। लेकिन CVT का अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ये भी मैग्नाइट CVT के बराबर ही होना चाहिए, जो कि है 17.7 kmpl। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं तो काइगर में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस गाड़ी का सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ 4 airbags मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए मैग्नाइट की तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और एंटी रोल बार जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस गाड़ी का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन खरीदते हैं तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में मैग्नाइट काइगर को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। लेकिन काइगर में दिए गए 4 airbags को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद एयरबैग्स आपको बचाते हैं, लेकिन मैग्नाइट में दिए गए सेफ्टी फीचर्स एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एशियन NCAP ने निसान मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इस गाड़ी ने काफ़ी शानदार स्कोर किया है 4 out of 5 stars का। काइगर अभी अभी लॉन्च हुई है, इसका क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक के वीडियो में आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ होगा, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है, लेकिन आगे का वीडियो आपका कंफ्यूजन क्लियर कर सकता है।
अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में और देखते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको काइगर में मिल जाते हैं लेकिन मैग्नाइट में नहीं मिल पाते। एलईडी टेल लैंप्स, मैग्नाइट में आपको कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स मिलते हैं, एलईडी नहीं है। इसके अलावा काइगर में आपको दो बड़े ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं जिनमें से नीचे वाला ग्लव बॉक्स में कूलिंग फीचर भी दिया गया है, जबकि मैग्नाइट में आपको सिंगल ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें कूलिंग फीचर भी नहीं है। इसके अलावा आपको एयर फिल्टर, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, एम्बियंट लाइटिंग और इन्फोटेनमेंट सिस्टम में 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर्स मिल जाते हैं, जबकि मैग्नाइट के इन्फोटेनमेंट सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स के साथ सिर्फ 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो काइगर में हैं लेकिन मैग्नाइट में नहीं। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको मैग्नाइट में मिल जाते हैं लेकिन काइगर में नहीं मिल पाते। मैग्नाइट में आपको एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि काइगर के फॉग लैंप्स के अति पता ही नहीं है, फॉग लैंप्स वहां पर है ही नहीं। इसके अलावा 360 डिग्री रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और मैग्नाइट के दोनों सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, जबकि काइगर में सिर्फ पैसेंजर साइड ही दिया हुआ है। इसके अलावा आजकल कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, जो कि आपको मैग्नाइट में दी गई है निसान कनेक्ट के नाम से, जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी काइगर में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नाइट में जो फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं वो रियल लाइफ में ज़्यादा यूजफुल हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और निसान कनेक्ट, जबकि काइगर में दिए गए ज़्यादा फीचर्स में से ग्लव बॉक्स छोड़कर बाकी बचे फीचर्स इतने यूजफुल नहीं हैं। बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में 2 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात करें तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की सेगमेंट में मैग्नाइट का मेंटेनेंस सबसे कम है। इसके साथ दो तरह के प्रीपेड मेंटेनेंस प्लान मिल जाते हैं, एक है सिल्वर एएमसी जो आपको 5 साल के लिए सिर्फ 11,850 रुपये का मिलता है, दूसरा है गोल्ड एएमसी जो आपको 5 साल के लिए सिर्फ 17,000 रुपये का मिल जाता है। गोल्ड एएमसी प्लान में आप सर्विस कॉस्ट के साथ साथ बाकी चीज़ों के खर्चों से भी बचे जाते हैं, जैसे कि एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, स्पार्क प्लग, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ काइगर के मेंटेनेंस के बारे में बात की जाए तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही अभी तक कोई प्रीपेड मेंटेनेंस प्लान अनाउंस किया गया है। लेकिन अगर रेनो की बाकी गाड़ियों के मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो काइगर का मेंटेनेंस मैग्नाइट इतना सस्ता तो नहीं होगा। और अब आखिर में एक और बड़े पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है आफ्टर सेल सर्विसेज। रेनो और निसान भले ही एक ही ग्रुप को बिलोंग क्यों ना करती हों, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में रेनो आगे निकल जाती है। पूरे भारत में रेनो के 450 से भी ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं, जबकि निसान के लगभग इसके आधे हैं। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नाइट में ना सिर्फ सेफ्टी के बल्कि कंफर्ट के भी ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैग्नाइट के प्राइसेस काइगर के बराबर ही हैं। और अगर आप सीवीटी लेना चाहते हैं तो मैग्नाइट आपको और ज़्यादा सस्ती पड़ती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बता दूं कि ये काइगर के इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। कुछ समय बाद इस गाड़ी के 50 से 60 हज़ार रुपये प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैग्नाइट को 5 लाख में लॉन्च किया गया था लेकिन आज 5.5 में मिलती है। इसलिए अगर आपने काइगर को खरीदने का फैसला लिया है तो इसे अभी खरीदने में ज़्यादा भलाई है। कुल मिलाकर अगर आपके शहर में निसान का सर्विस सेंटर है और वो अच्छी सर्विस देता है तो आपको मैग्नाइट को प्रेफर करना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर काइगर तो है ही। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।